खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली में अभी तक इस साल प्रदूषण कंट्रोल में था। हम सब लोग जानते हैं कि लगभग पहली चीज तो प्रदूषण बढ़ना बंद हो गया और दूसरी चीज प्रदूषण 25% कम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और हमें ये समझना भी पड़ेगा कि कुछ पत्रकार कहते हैं जी वो क्रेडिट ले रही है सरकार, ये क्रेडिट ले रही है सरकार, फलानी सरकार क्रेडिट ले रही है। प्रदूषण बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। प्रदूषण किसी भी एक संस्था या एक सरकार के एफर्ट्स से कंट्रोल नहीं होता। प्रदूषण तब कंट्रोल होता है जब सारे मिलके प्रयास करते हैं और मुझे खुशी है कि दिल्ली के अंदर सभी संस्थाओं ने और सभी सरकारों ने मिलके प्रयास किया जिसकी वजह से आज दिल्ली में प्रदूषण कम होने लगा है। केंद्र सरकार ने प्रयास किया, केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल हाईवे बनाया, नगर निगमों के अपने प्रयास रहे जिन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर, दिल्ली सरकार ने भी कई जगह रेड मारी और नगर निगमों ने भी रेड मारी। कुछ कुछ जगहों पे नगर निगमों ने मैकेनिकल स्वीपिंग चालू की है लेकिन उसको और ज़्यादा करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है आने वाले वर्षों में पूरी दिल्ली में मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। और दिल्ली सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स किए जिनका मैं समय समय पर जिक्र करता रहा हूँ। तो सब लोगों ने एफर्ट्स किए, अच्छे एफर्ट्स किए, सबसे ज़्यादा एफर्ट्स दिल्ली की जनता ने किए। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि कोई भी प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स तब तक रिजल्ट्स नहीं दे सकते जब तक कि जनता उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ना करे। दिल्ली की जनता ने खूब बढ़ चढ़ के हमारे पोल्यूशन के खिलाफ जितने भी एफर्ट्स हैं उसमें खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, कड़े कदम उठाए गए, उन कड़े कदमों का भी दिल्ली की जनता ने स्वागत किया और मैं पूरा श्रेय दिल्ली में जो प्रदूषण कम हुआ उसका दिल्ली की जनता को देना चाहता हूँ। लेकिन अब चिंता का विषय है, अब दिल्ली में धुआं आने लगा है जिसका हम लोगों को डर था। आसपास के राज्यों से जो फसलें जलाने का, पराली जलाने का जो धुआं है वो दिल्ली में पहुंचने लगा है और पिछले 3-4 दिन से धीरे 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 हम लोग गुड से मॉडरेट, मॉडरेट से पुअर, पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचते जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और मैं फिर से सारी सरकारों से और सारी एजेंसीज से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इसको, धुएं को अब कई साल हो गए इससे हम लोगों को निपटते हुए, इसको बर्दाश्त करते हुए, इसके बारे में तुरंत हम सबको मिलके कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार के तरफ से जो भी संभव हो सकेगा इसमें, जो भी हमारे कंट्रोल में, हम वो सब करेंगे इसको कम करने के लिए। लेकिन जब धुआं आ रहा है तो हम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, अपने स्तर के ऊपर जो जो बन सकता है हम करेंगे। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ उसमें कई सारे स्टेप्स हम उठाने वाले हैं आने वाले दिनों में ताकि धुएं के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। जैसे दिवाली इस बार पटाखे लोग ना जलाएं, इसके लिए कनॉट प्लेस में दिवाली मनाई जा रही है 26, 27, 28, 29, 4 दिन तक 7 बजे से दिवाली मनाई जाएगी। लोग आएँ, अपने परिवार को लेके आएँ वहाँ पे और मिलके वहाँ दिवाली मनाएंगे, लेज़र शो होगा। मास्क सबके घर में भिजवा रहे हैं हम लोग ताकि लोग अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क पहन ले। और जो बहुत बड़ा एफर्ट जो करेंगे वो ऑड इवन 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया जाएगा दिल्ली के अंदर ताकि दिल्ली का जो अपना पोल्यूशन है, जब बाहर से इतना पोल्यूशन आ रहा है तो दिल्ली के अपने पोल्यूशन को हम कम कर सकें जितना कम कर सकते हैं। तो ऑड इवन में कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्पशन दी जाती है अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। उन एग्जेम्पशंस के ऊपर अभी फिलहाल सरकार में चर्चा चल रही है लेकिन जो 2 एग्जेम्पशंस के ऊपर निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। एक तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पहले 2 ऑड इवन लागू किए गए थे उन दोनों ऑड इवन का प्रोग्राम्स में महिलाओं को इससे एग्जेम्पशन दी गई थी, इस बार भी महिलाओं को उससे एग्जेम्पशन दी जाएगी।
महिलाओं को एग्जम्पशन देने का मतलब है कोई भी ऐसी कार जिसके अंदर ऑल विमेन हैं, या तो अकेली महिला चला रही है या महिला के साथ महिलाएं बैठी हैं, उस गाड़ी को ऑडी वन से एग्जम्पशन होगी। और दूसरा, ऐसी कोई कार जिसके अंदर महिला चला रही है और 12 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा बैठा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस गाड़ी को ऑडी वन से एग्जम्पशन होगी। तो ये महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दूसरा है सीएनजी व्हीकल्स का। सीएनजी व्हीकल से मेरा मतलब है जो प्राइवेट कार्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स नहीं, बसें, ऑटोज, टैक्सीज जो सीएनजी हैं, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। वो सारे एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन जो प्राइवेट कार्स हैं उनको पहले दो ऑडी वन कार्यक्रमों में इनको एग्जेम्पशन दी गई थी सीएनजी को, लेकिन जो देखने में आया कि जो स्टिकर्स दिए गए थे सीएनजी व्हीकल के ऊपर लगाने के लिए, उन स्टिकर्स का काफ़ी मिसयूज़ हुआ था और वो स्टिकर्स ब्लैक में बिके थे और वो ब्लैक में लेके लोग नॉर्मल व्हीकल्स पे भी लगा लेते थे, और इसका इन्फोर्समेंट 10-15 दिन के अंदर कर पाना बड़ा मुश्किल है। और जब इस तरह से होता है तो फिर जो पूरा पर्पज़ है ऑड इवन का वो डिफ़ीट हो जाता है। तो इस बार ये तय किया गया है कि सीएनजी प्राइवेट कार्स को भी को एग्जेम्प्ट नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर भी ऑड इवन लागू होगा। इसके अलावा टू व्हीलर्स की कैटेगरी बच जाती है। टू व्हीलर्स हम लोग मानते हैं कि काफ़ी पोल्यूशन करते हैं और उनके ऊपर लागू होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम टू व्हीलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर टू व्हीलर्स पे लागू कर दिया तो हमारा अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना सुदृढ़ नहीं है कि वो इतने उसको वो कर पाए। तो अभी टू व्हीलर्स के ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया, उसके ऊपर अभी भी सरकार के अंदर चर्चा चल रही है, हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं और जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा और आपको जैसे ही निर्णय होता है हम आपको बता देंगे। अगर सर, आपके लाभ कहने के बावजूद आपको लग रहा है कि अब धुआं आने लगा, खासतौर से पंजाब हरियाणा वगैरह से अब शुरुआत हो गई है, आपको लगता है कि वो सरकारें कोऑपरेट नहीं कर रही, जबकि आपने यहाँ पर एमसीडी और तमाम सरकारों को कहा कि कोऑपरेट कर रही है इसके लिए? मेरा उनसे फिर से अपील है कि जितनी भी सरकारें हैं, ये पोल्यूशन आप ये समझने की कोशिश करो। मान लीजिए आज जैसे मैं खबर पढ़ रहा था कि करनाल में ज़्यादा फसलें जली, उसकी वजह से आज जो दिल्ली के अंदर धुआं आया, उधर से जिस गांव में फसल जलती है सबसे ज़्यादा धुआं तो उसी गांव में होता होगा, दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते तो फिर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बात केवल दिल्ली के लोगों की नहीं है, हरियाणा जहाँ जहाँ ये फसलें जल रही है वहाँ के लोगों की भी तो सेहत की बात है। दिल्ली में चूंकि मीडिया ज़्यादा है, दिल्ली में चूंकि पूरी केंद्र सरकार यहाँ मौजूद है, इसलिए दिल्ली को ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। जब मैं पोल्यूशन को कम करने की बात करता कह रहा हूँ तो मेरा मकसद ये भी है कि दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, जहाँ जहाँ से भी फसलें चल रही है सबके लोगों को इस धुएं की परेशानी हो रही है। तो जो और किसानों को इसका दोष नहीं दिया जा सकता, बिकॉज किसानों की अपनी फसलें जला के अगली फसल की तैयारी करनी होती है। सरकारों को जो भी मशीनें सप्लाई करनी है इससे निजात पाने के लिए, और अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सरकारों को अपने अपने स्तर के ऊपर जल्द जल्द ही इस पे एक्शन लेना चाहिए। ऐसी मेरी हाथ जोड़ के सभी सरकारों से और सभी एजेंसी से, सभी संस्थाओं से अपील है। हम तो चाहते हैं कि हो, तो उसमें केंद्र सरकार को इस पे पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बारी 2 साल पहले आपको याद होगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने मिलने से इंकार कर दिया था। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकते, उसमें मैं फिर से जो भी इसमें सरकारें हैं, जो भी एजेंसीज हैं, मैं इस वक्त मेरा मकसद फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, फिंगर पॉइंटिंग से कुछ नहीं निकलने वाला कि इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को पोल्यूशन भुगतना पड़ रहा है, हम सब लोगों को पोल्यूशन भुगतना पड़ रहा है। मेरी अपील है कि वो जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे। टाइमिंग पिछली बार भी 8 बजे से 8 बजे था, इस बार भी 8 बजे से 8 बजे होगा। सर, इस बार जैसे आप सीएनजी कारों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं तो एनफोर्समेंट
तो फिर ऑटोमेटिक हो गया ना एनफोर्समेंट, इजी हो गया। तो आपने पिछली बार काफी मोटा इसके लिए फाइन और वो रखे थे प्रावधान, क्या इस बार उसमें कुछ और कड़ा प्रावधान करने की आप सोच रहे हैं कि कोई जिस तरह से चालान की राशि, जो भी कानून में प्रावधान है फाइन के वो कानून के हिसाब से फाइन किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा जो पहला ऑड इवन हुआ था उसमें हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लगाए थे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के पास एनफोर्समेंट की पावर्स नहीं होती, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स थे लोगों को उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए कि वो गाड़ी को रोकते थे, जो भी गाड़ी वायलेट करती थी उसको एक फूल देते थे और उसको कहते थे जी आप घर चले जाओ, प्लीज वापस घर चले जाओ, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, दिल्ली के भविष्य का सवाल है। हमारा मकसद लोगों पे बड़े स्तर के ऊपर फाइन इम्पोज करना नहीं है, हमारा मकसद है पोल्यूशन कम करना। तो अगर कुछ वायलेशंस मिलेंगे तो उन वायलेशंस को कोशिश की जाएगी कि उनको मना के वापस घर भेज दिया जाए, ना कि एकदम से फाइन इम्पोज किया जाए, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी फाइन इम्पोज करेंगे। क्या सरकार आगे भी टू व्हीलर के लिए भी कोई ऐसा बना रही है प्लान, क्योंकि 6-8% अगर कारों का रहता है तो क्या टू व्हीलर के लिए भी आप लोग बनाने? मैंने जैसे बताया कि टू व्हीलर को लेके समस्या है, टू व्हीलर पोल्यूशन भी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर सारे टू व्हीलर्स को सड़क से बाहर कर दिया जाएगा आधे से ज्यादा को तो दिक्कत हो जाएगी। इनको कॉन्ट्रेरी जो कंट्रडिक्शंस हैं इनको सरकार समझने की कोशिश कर रही है और अगले कुछ दिनों में इस पे निर्णय ले लिया जाएगा। मतलब उस स्केल के ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप 50 लाख के करीब लगभग टू व्हीलर्स हैं, 25 लाख टू व्हीलर्स अगर सड़क से बाहर हो गए तो एकदम से इतनी बसें कहां से आएंगी? आप कितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लो, आप इतनी वेकेंट कैपेसिटी तो किसी भी आइडियल सिचुएशन में भी नहीं रखेंगे ना। इतनी खाली बसें तो परमानेंटली नहीं चलाएंगे कि जब ऑड इवन होगा तब उतनी। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर अब निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं, ओनली ऑल विमेन व्हीकल्स जिसको महिला ड्राइव कर रही है और उसमें महिलाएं बैठी हैं या उसमें कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा बैठा है, केवल वो एग्जाम। फाइन का अमाउंट जो भी अभी मौजूदा कानून के अंदर है वो एग्जामिन कर रहे हैं, नए मोटर व्हीकल एक्ट के आने के बाद इसमें कितना लगेगा उसका हम बता देंगे, आपको अनाउंस कर देंगे। टोटल दिल्ली में 5 लाख सीएनजी कारें हैं। बसों का बता दीजिए जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। लगभग 2000 बसें हमने कहा है डीटीसी को एंगेज करने के लिए, तो उन्होंने जो जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनसे बात कर ली है और नया जो हमारा क्लस्टर जो लास्ट बिडिंग हुआ था उसके रेट के हिसाब से विच इज अराउंड 50 रुपीज़ के हिसाब से डीटीसी ने ट्रांसपोर्ट को ऑलरेडी भेज दिया रिकमेंडेशन एंड ट्रांसपोर्ट विल पुट अप आवर कैबिनेट नोट वेरी सून। तो उसके हिसाब से 2000 बसें एंगेज करने का दिल्ली सरकार का प्लान है। और मैं फिर से पिछली बार जब ऑड इवन हुआ था सबसे ज्यादा कारगर हुआ था कार पूलिंग। अपने दोस्तों के साथ कार पूलिंग कीजिए, रिश्तेदारों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे और इसमें सक्सेसफुल इसको कीजिए। ऑफिस टाइमिंग्स हम स्टैगर करने वाले हैं, इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपर्ट्स की मदद मांगी है और वो एग्जैक्टली उसका डिटेल्स इन प्रिंसिपल ये डिसाइड कर लिया हम लोगों ने कि ऑड इवन के दौरान ऑफिस टाइमिंग्स भी स्टैगर करेंगे, उसकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करेंगे जल्दी। मैंने बताया ना कि दो चैलेंजेस हैं, एक तो ये कि टू व्हीलर्स पोल्यूशन करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं हम मानते हैं, दूसरा तो हम चाहते हैं कि उस पर लागू हो, लेकिन दूसरा चैलेंज ये है कि इतनी बड़ी संख्या में टू व्हीलर्स हैं कि अगर उनके ऊपर लागू कर दिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको नहीं ले पाएगा, तो कहीं क्योस ना हो जाए, तो इसको दोनों कंट्राडिक्शंस को हमें बैलेंस करना है। एनदर 3-4 डेज सर,
सर ऑडिशन के दौरान सबसे ज्यादा देखा जाता है कि ओला उबर जैसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सरचार्ज बहुत ज्यादा, वो इस बार ऑर्डर पास अभी अभी जस्ट दो दिन पहले उबर कंपनीज के जो यहाँ इंडिया हेड हैं उनको बुलाया गया था, उनके तमाम जितने अधिकारी थे उनको बुलाया गया था और उनको ऑलरेडी स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है कि किसी भी तरह की अगर वो प्राइस सर्जिंग करेंगे तो वी विल कम डाउन वेरी हेवीली। उन्होंने अपनी तरफ से ये कमिटमेंट दिया है कि 1.5 टाइम से ज़्यादा किसी भी सूरत में वो प्राइस सर्जिंग नहीं करेंगे। सिमिलरली जो दूसरी कंपनीज हैं उनको भी हम इस हफ्ते बुलाएंगे एंड सख्त सख्त कार्रवाई करने का आदेश हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी कह रही है कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं ऑडिविन से फायदा कुछ नहीं होने वाला, चाहे 8% के बीच में सिर्फ फर्क पड़ता है, ऑडिविन को वो लोग क्यों कर्ज कर रहे हैं, क्या आप करिए? वो तो वही बताएंगे क्यों कर्ज कर रहे हैं, मैं कैसे बताऊं? नहीं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। वो तो जितना दिल्ली का पोल्यूशन कंट्रोल में है, दिल्ली का पोल्यूशन अब जैसे पिछले 3 महीने में जो हमारी रिपोर्ट है वो भी और जो अखबारों में छप रहा है उसके हिसाब से भी गुड से मॉडरेट कैटेगरी में रहा है पिछले 3 महीने में, विच इज बिग थिंग, छोटी बात नहीं है, जबकि हम पूरा साल दिल्ली का पोल्यूशन खराब रहता था। तो दिल्ली का अपना पोल्यूशन अपने सोर्सेस से कंट्रोल में है। अब ये जो धुआं आ रहा है पराली का, क्रॉप बर्निंग का, ये कितना आएगा, कितने स्केल पे होगा, वो कुछ मेजर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये तो समय बताएगा। आप लोगों ने अलग नहीं किया है, वो भी ऑडिशन में शामिल रहेंगे। बसों की संख्या आपके पास पहले से कम है, ऐसे और कितने बसों की जरूरत? गाड़ी वाले नॉर्मली ऑर्डिनरीली गाड़ी जिसके पास है वो बस में ट्रेवल करने अवॉइड करता है, मतलब अपने कंफर्ट को लेके। मोस्टली पिछली बार देखा गया था गाड़ी वाले कार पूलिंग पे निर्भर करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीएनजी की कार जिसके पास भी है दे विल आल्सो रिसोर्ट टू कार पूलिंग। सर हरियाणा में इलेक्शन का दौर चल रहा है, सारी सरकार सारी मशीनरी उसमें बिजी है और वहीं से सबसे ज्यादा ये पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में आ रही है, तो आपको लगता है कि दिस शुड बी एन इंपॉर्टेंट इलेक्शन प्रॉमिस आल्सो कांग्रेस के लिए, चाहे आप भी वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं या बीजेपी है, मतलब आपको लगता है कि इलेक्शन में इसके ऊपर भी एक फोकस होना चाहिए वहां पे कि प्रदूषण तो फोकस होना ही चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में विकास के मुद्दे राजनीति में आते जा रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। अभी तक जब भी चुनाव होते थे वो चुनाव धर्म और जाति के नाम पे होते थे, दिल्ली में पहली बार ऐसा है कि लोग काम की बात कर रहे हैं, लोग स्कूलों की बात कर रहे हैं, लोग अस्पतालों की बात कर रहे हैं, लोग डेंगू की बात कर रहे हैं, लोग प्रदूषण की बात कर रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि चुनाव इन मुद्दों के ऊपर दिल्ली में लड़े जाएंगे आने वाले चुनाव। अभी जैसे इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले प्रदूषण पे ये बोल रहे हैं, तो बीजेपी अब दिल्ली में प्रदूषण पे बात करती है, बीजेपी अब दिल्ली में डेंगू पे बात करती है, बीजेपी अब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पे बात करती है, बीजेपी अब दिल्ली में शिक्षा पे बात करती है। ये शुभ संकेत है हमारे देश की राजनीति के लिए। शुक्रिया। प्याज थोड़ा सा दिक्कत ही आ रही है, नेफेड से हमें आगे सप्लाई नहीं मिल रही है, पिछले 3 दिन से काफी कम मिल रही है।